नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाचार कैरियर हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल में। और इस समय मैं मौजूद हूं रोहतक के नांदल भवन में। जी हां, मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहां पर राजा नाहर सिंह जी के 102वें बलिदान दिवस व किसान कमेरे वर्ग के चौधरी दीनबंधु छोटू राम जी की 75वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हमारे साथ हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रधान हैं संजय राठी जी। आइए बात करते हैं संजय राठी जी से। राठी साहब, आज जो दो महान विभूतियां हैं, इस देश की धरोहर हैं, उनको आज यहाँ श्रद्धांजलि दी गई है, सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, क्या कहेंगे इस अवसर पर? राजा नाहर सिंह और दीनबंधु छोटू राम दोनों हमारे राष्ट्र की महान विभूतियाँ रही हैं। राजा नाहर सिंह का 162वां आज बलिदान दिवस है और दीनबंधु चौधरी छोटू राम का 75वां की पुण्यतिथि है। और आज इस अवसर पर यहाँ नांदल भवन में एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उन महान पुरुषों के जीवन पर विभिन्न खापों के प्रधान और चौधरी वीरेंद्र सिंह, पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री, पूर्व डीजीपी और चंडीगढ़ जाट सभा के अध्यक्ष महेंद्र सिंह मलिक और उनके अलावा भी बहुत से गणमान्य लोगों ने पूरे उत्तर भारत के काफ़ी गणमान्य लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है। और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको एक संदेश जाए कि हमारे जो पूर्वज थे उनका त्याग, बलिदान, उनका शौर्य और उनका राष्ट्र के प्रति कितना बड़ा उनका योगदान है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनसे सीख के और अपना जीवन में उनके जो उच्च आदर्श और जीवन मूल्य थे और जो उनका उच्च बलिदान था उनको आत्मसात करके समाज के नवनिर्माण में एक अपनी भूमिका को सुनिश्चित करें। ये एक संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से आज यहाँ नांदल भवन में जो लोग जुटे हैं उन्होंने एक संकल्प लिया है कि वो समाज और राष्ट्र के नवनिर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और इसमें जाट महान पत्रिका के संपादक हमारे साथी राजवीर राजान जी, जसवीर मलिक और इनके साथियों ने मिलके इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और मैं बहुत इनको शुभकामनाएं देता हूं। इस तरह के कार्यक्रम समाज और राष्ट्र के नवनिर्माण में एक मील का पत्थर साबित होते हैं और मैं इनको बहुत बहुत मुबारक और शुभकामनाएं देता हूं कि आगे भी इस तरह के आयोजन ये करते रहेंगे। धन्यवाद। जी हाँ, आज के आयोजक हैं जाट महान पत्रिका के संपादक हैं राजवीर राजान जी, आइए उनसे भी बात करते हैं। राजवीर जी, क्या कहेंगे आज इस समारोह का जो आपने आयोजन किया है इस अवसर पर? ऐसा समारोह में तकरीबन 10 साल से मेरी मैगजीन को 10 साल हो गए हैं, मंथली मैगजीन है जाट महान, तो उसको 10 साल से नियंत्रण मेरे प्रकाशित में है और मैं हर साल 9 जनवरी को इन दोनों जो हमारी महान हस्तियां हैं, राजा नाहर सिंह उनकी 162वीं और सर छोटू राम उनकी 75वीं पुण्यतिथि है, इस अवसर पर मैं हर बार कभी उत्तर प्रदेश में, कभी राजस्थान में, कभी दिल्ली में और अब हरियाणा में 10 साल से हर बार मना रहे हैं और श्रद्धांजलि समारोह के रूप में मनाते हैं। और मैं राजा नाहर सिंह के परपोते हैं चौधरी राजीव सिंह तेवतिया जी, इसी गांव से, जो राजा नाहर सिंह का पैतृक गांव था सी, उनके परपोते को मैं हर बार बुलाता हूँ। हमारे साथ हैं चौधरी राजीव सिंह जी। जी नमस्कार जी। नमस्कार। आज बड़ा गर्व है ना केवल आपका परिवार अपितु समस्त हरियाणा प्रदेश, मैं कहूंगा कि समस्त भारत देश आज गर्व कर रहा है, गौरव की अनुभूति कर रहा है राजा नाहर सिंह जी द्वारा किए गए महान कार्यों पर। उनको स्मरण किया जा रहा है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं और किसी भी सभ्य समाज के, किसी भी जाति या किसी भी वर्ग के व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी बात है कि आज 162 साल के बाद भी वो लोगों के दिलों में जिंदा है, क्या कहेंगे इस अवसर पर? जहाँ तक मेरे परिवार का वंशज का सवाल है, हमारे जो बुजुर्ग थे सात पीढ़ी जिन्होंने राज किया, उनसे पहले वो एक किसान थे और उन्होंने किसानों को एकत्र किया और जगह जगह हर गांव में अखाड़े खुलवाए और सब अच्छे अच्छे लोगों को उनकी पालना सिखाई कि भाई आपको कैसे आगे बढ़ना है, सेहत के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया और उनको ब्रह्मचारी का पालन कराते थे वो और खर्च करते थे। और गांव गए, उन्होंने बड़े बड़े योद्धा 6-6, 7-7 फुट के उन्होंने उनका श्रृंगार किया और उनको एक टीम बनाई 500 आदमियों की और उस 500 टीम के बनाने से ही वो आगे आए। वो तो किसान के बेटे थे, तो जब राजा महाराज सूर्यमल दिल्ली में कभी चढ़ाई करते थे वो कामयाब नहीं हुए, उन्होंने इनको बुलाया
और उन्होंने ये कहा कि राजा साहब आप पीछे चलिए, आगे मैं चलूँगा, मेरे जवान लड़ेंगे। पहले 500 जवान की बदौलत दिल्ली पे अटैक करते थे, और उन्होंने दिल्ली पे जो अपने मोमडन से एक राजा थे उस समय के, उनका बड़ा भारी साथ दिया, और वो तो उनको धोखे से बुलाया गया था वहाँ पर। तो यहाँ से आगरे से यहाँ दिल्ली अंग्रेजों की फौजें प्रस्थान कर रही थीं, तो उस वक्त उन्होंने इनसे ये कहा कि आइए हमसे मैदान में आइए, बात करिए, हमने आपका नाम सुना है, ये है वो लड़ाई हुई, उसमें अंग्रेजों को परस्त कर दिया, और हमारे यहाँ छतरी तालाब है, अंग्रेजों को सीकरी और बलौर के बीच में सीकरी डेरा डाला हुआ एक पड़ाव कहलाते थे रेलवे जीटी रोड के बीच में, वहाँ पर अंग्रेजों की फौजें विराजमान थीं, तो उन्होंने ललकारा आइए और लड़ाई हुई, तो उसमें अंग्रेजों को परास्त किया, कम से कम हजारों अंग्रेजों को मार कर तालाब में डाल दिया और खून से तालाब भर गया। लाल तालाब और हम तो एक छोटे से किसान के बेटे थे, हमारे परिवार तो राजा नहर सिंह का, वो आप ये लगा लीजिए कि वो बड़े बलशाली थे, वैसे भी बहुत ज़्यादा थे, इसी वजह से उन्होंने बल्लभ को बचाया, और राजा सूरजमल ने खुश होकर के रिश्तेदारी कराई हमसे, और उसके बाद भी उनका वर्चस्व था सब जगह, 210 काम हमें दे दिए, और कही कि आप इस स्टेट को कामयाब बनाइए। जी जी हाँ, आप देख सकते हैं तस्वीरों में मेरे पीछे, जहाँ यह श्रद्धांजलि स्थान है, और यहाँ पर समाज की इन दोनों विभूतियों को आकर के श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए थे। और इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने से, जिस तरह से हमने बात की है, भावी पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है ताकि वो अपने महापुरुषों से कुछ सीखें और आगे जीवन में बेहतर कार्य कर सकें। आपका परिचय कराते हैं, पत्रकारिता के एक ऐसे स्तंभ हैं, जी हाँ भाई जसवीर मलिक जी उनके साथ खड़े हैं, हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रधान हैं आदरणीय श्री संजय राठी जी, और अवसर है आज देश की दो महान विभूतियों को यहाँ नमन किया जा रहा है, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं जसवीर जी से। जसवीर जी, आज के इस कार्यक्रम के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं समाचार क्यारी के दर्शकों को अभिनंदन करता हूँ कि इतना अच्छा चैनल वो देख पा रहे हैं जी। और आज का जो कार्यक्रम था, हमारे 1857 क्रांति के अमर शहीद हुए राजा नहर सिंह जी, और उनका 162वां बलिदान दिवस था, और चौधरी छोटूराम जो किसान मसीहा हुए, रहबरे आजम भी कहा गया, सर भी कहा गया, दीन बंधु भी कहा गया, उनका 75वां निर्वाण दिवस था। और इस अवसर पे हम लोगों ने यहाँ 6 कार्यक्रम आज किए हैं जी, जिसमें सबसे पहले तो हवन यज्ञ किया गया, फिर एक हैंड राइटिंग की एक एक्सपर्ट है, हमने प्रदर्शनी लगाई जिससे बच्चों की हैंड राइटिंग सुधर सके, और उस प्रदर्शनी में महापुरुषों के जीवन चरित्र लिखे गए, बहुत बढ़िया। और दूसरा, हमने इतिहास से जुड़ी हुई कुछ पुस्तकें जो नई पब्लिश हुई हैं वो पाठकों के लिए रखी जी। और इस अवसर पे महापुरुषों के कैलेंडर भी हम लोगों ने वितरित करवाए जी। और सबसे बड़ी खूबी कि इतनी सर्दी में यहाँ एक ब्लड कैंप का आयोजन किया गया था हमारी कमेटी के द्वारा, उस अवसर पे युवाओं ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया, और चौधरी छोटूराम और अपने राजा नहर सिंह को समर्पण एक श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्होंने आपका जो काफ़ी संख्या में यूनिट, अभी हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई है कुल कितना यूनिट रक्तदान हुआ, लेकिन बड़ी संख्या में रक्तदान हुआ जी। और जो कार्यक्रम का जिस तरह से संचालन किया गया है, कौन कौन लोग यहाँ उपस्थित रहे? देखिए, यहाँ पे ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम था जी। और इसमें सबसे बड़ी जो खूबसूरती रही कि दोनों जो हमारे महापुरुष उनके वंशज रहे, बहुत बढ़िया, अपने जो राज्यसभा सदस्य हैं कैबिनेट मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह रहे, और जो अजीत सिंह तेवतिया जो सीही गांव फरीदाबाद से हैं, आपका राजा नहर सिंह के परपौत्र, वो भी यहाँ उपस्थित थे। और बड़ी खूबसूरती तब बनी कि जब राजनीति को दरकिनार करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपने यहाँ स्थानीय जो MLA रहे, बलराज कुंडू हैं, और आपका ये बत्रा जी हैं रोहतक के जो MLA हैं, और काफ़ी मतलब लोगों के साथ यहाँ सब ने सारे अपने कोई राजनीतिक मतभेद होता है सब कुछ भुला के महापुरुषों पे अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किए हुए श्रद्धांजलि अर्पित की।
जी हाँ, और इस तरह के कार्यक्रम की खूबसूरती जिस तरह से जसवीर भाई ने बताया है कि एक गैर राजनीतिक यह कार्यक्रम होता है जिसमें समाज की सभी विभूतियां यहां पहुंचती हैं और अपने वक्तव्य के माध्यम से या जीवन में अपने द्वारा प्राप्त किए गए अनुभवों से नई पीढ़ी को प्रेरित करते हैं ताकि वो जीवन में आगे बढ़ सकें और समाज के इन अनुभवी लोगों से कुछ सीख सकें। और कुछ यहाँ जिस तरह से आदरणीय राठी जी ने हमें बताया है कि जसवीर जी आदरणीय राठी जी ने बताया है कि आज यहाँ पर एक संकल्प भी लिया गया। हम दोबारा से एक बार राठी जी से जानना चाहेंगे, सर किस तरह का संकल्प यहाँ लिया गया है? देखिए, एक तरह से पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से समाज में जातिवादी ताकतों का बोलबाला हुआ है और समाज के एक विघटन का जो प्रक्रिया एक राजनीतिक लोगों के माध्यम से चलाई जा रही है, उसमें समाज को विखंडित होने से बचाने के लिए और एक मानवता के नाते सभी धर्म जात बिरादरी उनसे ऊपर उठ के समाज के नव निर्माण का जो संकल्प है वो एक विशेष यहाँ संकल्प के रूप में एक समाज तक ले जाने का इसमें प्रयास किया गया है और ये एक बहुत ही शानदार भूमिका है। लगातार पिछले कुछ समय से जो विघटनकारी ताकतें हैं समाज में जाति के नाम पर धर्म के नाम पर वो सक्रिय हैं, उनका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ा है और ये यहाँ जो नांदर भवन है ये जो 3-4 साल पहले जो आरक्षण के नाम पर जो दंगे हुए उससे पहले यहाँ उस आंदोलन का पूरे जो उत्तर भारत का एक केंद्र रहा ये, लेकिन यहाँ से जो आह्वान था समाज की जो खापों का वो एक शांतिपूर्ण आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया गया था, लेकिन कुछ स्वार्थी राजनीतिक ताकतों ने उसको विस्फोटक स्वरूप देते हुए उसको एक ऐसा माहौल पूरे प्रदेश में बना कि जिसके नासूर, जिसका दर्द, जिसकी पीड़ा आज भी पूरा समाज महसूस कर रहा है। तो किसी जाति को समाज से एक तरह से अलग थलग करने का एक जो प्रयास था, एक बार पुनः जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं खापों के समाज सेवी, इतिहासकार, लेखक और राजनेता, वो सब मिलके एक प्रयास कर रहे हैं कि समाज जो है वो संगठित रहे। समूह के रूप में ही किसी समाज का कल्याण, उत्थान और विकास हो सकता है, पूरी मानवता का विकास हो सकता है और एक समृद्ध विचार जो है वो लोगों तक पहुँचे, तभी समाज का कल्याण और उन्नति संभव है। जी हाँ, और दोबारा से जी मैं बताना चाहूँगा कि आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में सरकार से दो मांगे हमने रखी गई जी, और इस पे NCERT कार्रवाई भी कर रहा है कि विश्वविद्यालय और जो विद्यालय जो शैक्षिक पाठ्यक्रम हैं जिसमें इतिहास सामान्य विज्ञान पढ़ाया जाता है उसमें महाराजा नाहर सिंह और चौधरी छोटू राम का जीवन चरित्र और जो घटनाएं हैं वो वर्णित हों और विद्यार्थियों को पढ़ने को मिले, ऐसा आशय का प्रस्ताव भारत सरकार को शिक्षा विभाग को भेजा गया है। और दूसरा जो आपका नेशनल हाईवे नंबर 10 है जी, जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग जो फाजिलका तक आपका जाता है दिल्ली से शुरू होके, इसका नामकरण जो है चौधरी छोटू राम के नाम से किया जाए और दूसरा जो है इसका राजा नाहर सिंह के नाम से जो मार्ग है इसकी जो लंबाई आपकी फरीदाबाद तक है दिल्ली से फरीदाबाद, इस नाहर सिंह जी का नाम जो है मथुरा तक, आगरा तक, इस हाईवे का नाम राजा नाहर सिंह जी के नाम से किया जाए, पाठ्यक्रमों में शिक्षा में शामिल किया जाए और राजमार्गों के नाम इन महापुरुषों के नाम पे किए जाएं, ऐसी हमने भारत सरकार से और जो भी संबंधित विभाग जो कार्रवाई करेंगे उनसे हमने मांग की है और इस बारे में हम प्रतिवेदन अपना शीघ्र ही भेजने वाले हैं। जी हाँ, और आपने देखा कि यहाँ पर आज बेहतरीन एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और तमाम उन लोगों से हमने बात की है जो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अपना संदेश जो समाज को और दुनिया देश को देना चाहते हैं उनसे हमने बातचीत भी की है। अपने साथी सहयोगी हिमांशु के साथ समाचार कैरी के लिए संजय शर्मा की रिपोर्ट।